लागी का मार्ग ओर है, लगे चोट काल जा करके। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 का हवाला दे करके अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म और सब कर्मों से परिचित प्राणी को के विषय में कहा कि वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, बुढ़ापे और मृत्यु से, तो वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म और क्या है वो कर्म। अब अध्यात्म और वो कर्म क्या है और वो तत्ब्रह्म क्या है, वैसे तो उसने फैसला ही कर रखा है कि उसके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में, तो उन तत्वदर्शी संतों से मिलो और वो तत्व ज्ञान बताएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोलकर यथार्थ रूप में वो ज्ञान विस्तार से बताया है, अनुष्ठानों का, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संत जानते, मैं नहीं जानता, फिर भी उसने कुछ हिंट दिया है 8वें अध्याय के 1 मंत्र का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में दिया गीता जी कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब जहां आशा तांबासा हुई परमात्मा का, ये सूक्ष्म वेद का मंत्र है, जहां आशा तांबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि एक नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट में भावित रहता है, जिस भी इष्ट की भक्ति करता हुआ और उसी में आश्रित रहता है, तो वो उसी को प्राप्त होता है। जहां आशा तां बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये परमात्मा बता रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सिमरण करना तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया, मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओनली ओम है, नथिंग एल्स, ना युरा देरा देश्याम मिला दे, ना एवे नम, ना ओम नम भागवते वसुदेव, ना ये ओम नम शिवा, ये कोई मंत्र नहीं है, ये मोक्ष के नहीं है, शास्त्र भी दीता का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आप जान सकते हो कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाना आचरण करता है, साधनाएं करता है, उसकी ना तो गति हो, ना उसको सुख हो, ना ही उसका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो, तो यूजलेस। तो यहां 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बता दिया कि यदि तुझे शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, किसकी, जो परम अक्षर ब्रह्म, अभी 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसका मंत्र क्या, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। इसने हिंट दिया थोड़ा सा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थः, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ओम तत् सत ये 3 प्रकार का मंत्र है, इसका निर्देश है, निर्देश में कोई और अग्रम मग्रम खत्म हो जाती है, फाइनल डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसी तरह मन कर्म वचन से उसकी भक्ति कर, उसका मंत्र बताएंगे तत्वदर्शी संत। ये ओम तो सीधा इस ब्रह्म का है, तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है, ये दास बताओगा आपको, इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर्मा लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया, ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है, उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों में। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति, अब जैसे वहां कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहां की हो कि नहीं, ये मन मान लो,
अब जैसे कई भ्रम पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहां पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो पुण्यात्माओं अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बनी सौ बतावे और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा, तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहाँ हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी और पंथ से सब ये कहे हैं वहाँ सतलोक में परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश ऐसा है प्रकाश। जब वहाँ भगवान है दी से, यहाँ पर हम इसे वहाँ पर अनाथ हुआ, अनाथ यहाँ पर, फिर वहाँ क्या करेंगे? कहते हैं वहाँ अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है, और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबी का मिर्गी जाते ही, वह आनंद क्या लेंगे, वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ईसा आनंद है, जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो रहा हो कोई कोल्ड से कष्ट से, तो घर वाले भी नो के आकर रहे भगवान यू मर जा तो सुखी हो जा, और मरे पाचा हो गया सुखी, फिर गदा बन गया, पता के सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की हैं जो भगवान को अनराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो के रुचि बनेगी वहां जाने की, बन सके किसी की, वो बनावटी बातें हैं ये, वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती, वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहां जान की नीत किसे की कोई ना, और साधन नहीं वहां पर जाने के। तो ये साधन है, ये मंत्र है, ये सब प्रमाणित है, सब सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति करी उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए, तो आपको भक्ति भक्ति करना शेष रह गया, ये अग्रम अग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहां की कति पक्की आस्था ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन मट्टी फेर शुरू, विवाह हो गया रोटी रोटी की चिंता ना बनी तक, कोई बालक मर गया कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हो हमने इसकी जरूरत है। इंद्र दाराज काग दाबिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, ऐसी आस्था बन जाए इंद्र का राज भी काग का बीट